हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राफेल अकेडमी। आज स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, मूल विधि। तो मूल विधि में आपको कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं मूल विधि का। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मूल विधि का कंप्लीट कोर्स कराने वाले हूं। तो आप मूल विधि में मैं करूंगा क्या आपको मूल विधि में? मैं कराऊंगा आपको, एक तो आईपीसी कराऊंगा, क्या आईपीसी, एक सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम। क्या कराऊंगा? साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम और अधिनियम। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम ये कराने वाला हूं मैं, ठीक है। तो साक्ष्य पहले हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी। तो आईपीसी कैसे, कहां से आई है, कैसे इनका उद्गम हुआ है, तो देखेंगे कैसे हुआ है। तो आईपीसी, पहले आईपीसी के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो आईपीसी है इंडियन पैनल कोड। तो आपको पता होगा भारतीय शासन अधिनियम 1833 में क्या हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1833 में जो बंगाल पर जो शासन था, वो पूरे बंगाल के शासन को क्या आगे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो पूरे भारत पर लागू कर दिया गया था। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, वो उसे क्या कर दिया था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किसे? तो उसमें भारतीय शासन अधिनियम 1833 में क्या हुआ। 1833 अधिनियम एक प्रथम विधि आयोग बनाया गया। प्रथम विधि आयोग बनाया गया जिसके हेड बनाए गए लॉर्ड मैकाले। कौन बनाए गए? लॉर्ड मैकाले। तो इसके हेड बनाए गए हमारे लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग के हेड बनाए गए लॉर्ड मैकाले। और इन्हीं लॉर्ड मैकाले ने क्या इंडियन पैनल कोड आईपीसी की रूपरेखा तैयार करी। इसकी रूपरेखा तैयार करी आईपीसी। आईपीसी का फादर किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले। आईपीसी का फादर कहा जाता है लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने रूपरेखा तैयार करी। तो इसी में जो धारा है वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग धारा है, कुछ धारा और कुछ में बदलाव होना भी चाहिए था, पर अभी इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। तो आईपीसी बनकर कब तैयार हुई? ये बनकर तैयार हुई 6 अक्टूबर 1860 में। इसका सेटअप हुआ 6 अक्टूबर 1860 में बनकर तैयार होगी, ठीक है। तो 6 अक्टूबर 1860 में बनकर तैयार होगी, 1862 में इसे लागू कर दिया गया। 1862 में लागू कर दिया गया 1 जनवरी 1862 में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। किसे? आईपीसी को लागू कर दिया गया 1 जनवरी 1862 को। तो आईपीसी, जैसे कि आप संविधान में पता है कितने भाग 22 है और उसके जो अनुच्छेद है उसमें 395 अनुच्छेद है, ठीक है। तो ऐसी इस टाइप से इसमें क्या है, 23 चैप्टर है और 511 धाराएं। क्या है? 511 धाराएं। तो इन्हीं धाराओं को हम पढ़ेंगे, चैप्टर 23 और 511 धाराएं। तो आईपीसी के बारे में जान लेते हैं, तो थोड़ा सा सीआरपीसी के बारे में जान लेते हैं। तो सीआरपीसी है
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेटअप कब हुई पुरानी वाली 1888 में? सेटअप हुई 1888 में। और फिर इसमें एक संशोधन हुआ 1892 में, और जब तक हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर 1973 तक यही चलती रही संशोधन करने के बाद। 1892 में जो हुआ, 1892 में संशोधन हुआ, ठीक है। फिर 1973 में, यहां तक तो पुरानी, ये क्या है, पुरानी सीआरपीसी थी, पुरानी सीआरपीसी। तो 1997 से क्या गई, एक नई सीआरपीसी बनाई गई जो अभी तक लागू है। 1997 में आजादी के बाद क्या बनाई गई, 1997 में नई सीआरपीसी बनाई, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आईपीसी के बारे में पढ़ा, भारतीय शासन इंडियन पैनल कोड कहां से, इसका उद्गम हुआ, तो भारतीय शासन अधिनियम 1833 में प्रथम विधि आयोग बनाया गया लॉर्ड मैकाले, इन्हीं लॉर्ड मैकाले को आईपीसी का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है, इसी ने क्या करी आईपीसी की रूपरेखा तैयार करी। फिर आईपीसी कब लागू हुआ, 6 अक्टूबर 1860 को लागू हुआ, और 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हुआ, और 1 जनवरी 1862 को क्या हुआ, लागू हुआ। इसमें कुल 23 चैप्टर है और 511 धाराएं हैं, तो इन्हीं चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला थोड़ा सा देख लेते हैं, 23 के 23 चैप्टर देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है। तो चैप्टर वन यहां पर लिख लीजिए, चैप्टर यहां पर लिख लीजिए धाराएं, और यहां पर लिख लीजिए वर्णन। तो चैप्टर वन में क्या है, चैप्टर वन है धारा एक से लेके पांच तक, वन टू फाइव। चैप्टर वन में कितनी धाराएं हैं, एक से लेके पांच तक। इसमें क्या, इसमें बताया गया इसकी प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना को बताया गया इसमें चैप्टर वन में, प्रीएम्बल को बताया गया कि इसका नाम क्या है और इसका विस्तार कहां तक है। तो नाम है इसका धारा एक में बताया गया इसका नाम, टाइटल और इसका विस्तार क्या है, विस्तार है संपूर्ण भारत में क्या है इसका विस्तार, और टाइटल क्या है, इंडियन पैनल कोड। तो ऐसा धारा एक से लेकर पांच तक धारा एक में बताया गया, इसी प्रकार से इसकी प्रस्तावना में बताया गया, ठीक है। तो चैप्टर टू चैप्टर टू में देखते हैं कहां से लेकर कहां तक है। तो चैप्टर टू में धारा छह से लेकर 52 तक है, और इसमें क्या दिया गया, स्पष्टीकरण दिया गया। इसमें क्या दिया गया, साधारण स्पष्टीकरण धारा दो में क्या दिया हुआ है, साधारण। चैप्टर टू में 6-52 से लेकर साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है, धारा 6 से लेकर 52 तक। फिर देखते हैं चैप्टर थ्री
तो चैप्टर थ्री में कितनी धारा दी गई है? 53 से 75 तक, 53 से 75 तक। चैप्टर थ्री में कितनी धारा दी गई है? 53 से 75 तक। और इसमें क्या दी गई? बताया गया है दंड के विषय में, बताया गया है कि दंड के विषय में, दंड के विषय में मतलब क्या बताया गया है? दंड के विषय, दंड कितने प्रकार के होते हैं? दंड 5 प्रकार के होते हैं। एक तो मृत्यु दंड, जुर्माना और कारावास और आजीवन कारावास, ये दंड होते हैं। ऐसा धारा 53 में बताया गया है। तो फिर देखते हैं चैप्टर फोर, इसमें दी हुई है धारा 76 से लेकर 106 तक, धारा 76 से लेकर 106 तक। तो इसमें दिया हुआ है साधारण अपवाद, साधारण अपवाद, क्या? साधारण अपवाद। चैप्टर फोर धारा 76 से लेकर 106 तक क्या दिया हुआ है? साधारण अपवाद। फिर देखते हैं चैप्टर फाइव, इसमें दिया हुआ है धारा 107 से लेकर 120 तक, धारा 107 से लेकर 120 तक क्या दिया हुआ है? दुष्प्रेरण। इसमें क्या दिया हुआ है? दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण या उकसाना, क्या? उकसाना। चैप्टर फाइव में धारा 107 से लेकर 120 तक क्या दिया हुआ है? उकसाना दिया हुआ है। और चैप्टर फाइव ए क्या दिया हुआ है? 120 ए और 121 ए, आपराधिक षड्यंत्र। क्या दिया हुआ है? आपराधिक षड्यंत्र दिया हुआ है धारा 5A में, 120A और 121A में आपराधिक षड्यंत्र। फिर देखते हैं चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 में क्या दिया हुआ है? यह है 121 से लेकर 180 तक। चैप्टर 6 में धारा कितनी है? 121 से लेकर 180 तक, 131 से लेकर 140 तक चैप्टर 6 में। इसमें राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र, राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र ये दिया हुआ है। तो बस आज इतने ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो कल इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद आप।